बीती 15-16 जून की रात को चीन की कायराना हरकत और भारत के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद देश में जन जागृति भी महसूस की जाने लगी है। अलग अलग जगहों से चीनी सामान के बहिष्कार की खबरें आ रही हैं और उसी तरह से गुरुग्राम पटौदी के गांव जाटौली में ग्रामीणों ने चीन का पुतला फूंका और चाइनीज सामान के बहिष्कार का निर्णय लिया। लोगों ने वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के प्रति मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के सम्मान और उन्हें सदा याद रखने का आह्वान किया। कुछ सालों से फिल्मी सितारों के द्वारा भी देश और सैनिकों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और सेंसर बोर्ड से हटकर वेब सीरीज चलाकर फौजियों का अपमान किया जा रहा है। इस मौके पर रिटायर्ड भारतीय फौजी भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी भावना व्यक्त की। इसके साथ ही आपको एक बात और बता दें, जाटौली वही गांव है जिस गांव के फौजी 1962 भारत चाइना युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मेरा नाम जयवीर है, गांव खंडेवाला, और हम आम पब्लिक देश की जनता के साथ खड़ी है और चीन के सामान का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। ना आगे खरीदेंगे और ना अब खरीदेंगे, और हमारे जो जवान हैं वो तैयार हैं और हम भी अपने जवानों के साथ हैं, और दुश्मन को मार कर ही जंग जीती जाएगी, इसलिए हम मरने की बात नहीं करेंगे, मारने की बात करेंगे। जय हिंद। मैं प्रमोद चौहान। आज आप लोगों ने क्या किया है? हमने चाइना का पुतला फूंका है। ये पुतला फूंककर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हम फौजी भाई अपना काम तो बॉर्डर पर कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश है कि चाइना का सामान इस्तेमाल ना करें, उसको आर्थिक स्थिति से मजबूर करें, उसको कमज़ोर करें। यही इस पुतले फूकने का हमारा हुआ आज। मेरा नाम श्रीपाल सिंह चौहान है और मैं जहाँ घटना घटी है वहाँ मैं रह हुआ हूँ। देखिए, हम उनसे हमारे जवान बहुत तगड़े हैं और इन्होंने चाइना ने 1962 में भी हमें धोखा देकर ये कार्रवाई करी थी। अब हमारे जवान समझ गए हैं, अफसर भी समझ गए हैं और पब्लिक भी समझ गई है। हम इनको बख्शेंगे नहीं और घर जाकर अभी तो 40 मारे हैं, 400 मारेंगे, और अब अगर चाइना अपने बदमाशी से पार नहीं करता रहा तो हम इसको बख्शेंगे नहीं। मैं नरसिंह चौहान, एक्स नेवी है जी। पुतला फूंका है, किस वजह से पुतला फूंका है? पुतला तो ये चीन की बदमाशियों के लिए फूंका है, उसने जानबूझ के जो ये उकसाया है भारत को, विश्वासघात करके, जबकि वहाँ गोली चलनी नहीं थी तो उसने दूसरा रास्ता अख्तियार करके भारत को ललकारा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार उसकी ये धौंस और दादागिरी खत्म होके रहेगी। और अब क्या संदेश देना चाहते हैं जनता? संदेश यही है, डटे रहो और जब तक चीन को घुटने पर नहीं ले आओ तब तक इसको छोड़ना नहीं है, यही है मेरा कहना। Yeah!